चैनल। और गाइस आपको पता है कुछ दिन पहले निशु ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने मेरी गाड़ी में छुपने की कोशिश करी थी पर मैंने उसको पकड़ लिया था, तो उसका भी नेक्स्ट लेवल मैंने कुछ सोचा है। मैंने सोचा कि आज रात को मैं निशु के घर में स्नीक करूंगा और पूरी रात वहाँ पे बिताने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं कि मैं इस चैलेंज में सक्सेसफुल हो पाता हूँ या नहीं। और चैलेंज मेनली है कि निशु को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके घर में ही छुपा हुआ। तो गाइस चलते हैं अभी निशु के घर। एक और चीज गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि निशु के घर में मैं एंट्री कैसे लेने वाला हूँ, तो आपको बता दूं आयुष इस चैलेंज में मेरी हेल्प कर रहा है, मतलब वो मेरे साइड है। तो आयुष इज गोना हेल्प मी आउट इन दिस चैलेंज। अभी चलते हैं निशु के घर जो कि मेरे घर से बहुत दूर है, नोएडा से द्वारका। लेट्स गो। तो गाइस फाइनली 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैं पहुंच चुका हूं निशु के घर। और आयुष से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उसने मुझे बताया कि जैसे ही निशु घर से किसी भी काम के लिए बाहर निकलेगी तो मुझे कॉल करेगा और तभी हम अपनी इस साजिश को अंजाम देंगे। तो अभी वेट करते हैं आयुष के कॉल का। तो गाइस आयुष का फोन आ गया, देखते हैं क्या अपडेट है। भाई मैं पहुंच गया यहाँ पे ट्रू वैल्यू के बाहर खड़ा हूँ। जिम गई है इस टाइम भाई, रात के 9 बजे कौन जिम जाता है। तो गाइस निशु अभी चली गई है जिम और ये सबसे बढ़िया टाइम है निशु के घर में एंट्री करने का, अभी सिर्फ आयुष है घर पे अकेला। तो निशु के घर से मैंने काफी दूर गाड़ी खड़ी करी है ताकि निशु को जरा सा भी शक ना हो। तो देखते हैं क्या मैं निशु घर में पूरी रात बिता पाऊंगा बिना उसको पता चले। लेट्स गो। आशा करता हूँ आयुष ने मुझे धोखा ना दिया हो और आयुष ही हो ऊपर, इनका पता नहीं कब इनकी आपस में। हेलो भाई तू धोखा तो नहीं दे रहा, निशु नहीं है ना ऊपर? नहीं है। पक्की बात? कंफर्म कर दिया लड़के ने। चलो आगे। तो गाइस फाइनली हम निशु के घर में पहुंच चुके हैं बिना निशु को पता चले। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिना निशु के घर कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा सुना लग। सॉरी माय मिस्टेक। क्या बेटा तू बोलेगा तो पिट जाएगा, मैं तो बोल सकता हूँ। तो गाइस बिना निशु के घर ये काफी अच्छा लग रहा है। असली टास्क ये है कि निशु को पता नहीं चलने देना पूरी रात कि मैं उसके यहाँ पे घर पे आया हूँ। और आयुष भाई आपको हमें करना है फुल सपोर्ट आज। मैं ही हूँ आपका एजेंट आज। आज ये मेरा एजेंट है, एजेंट विनोद। इसने 500 रुपए लिए है, वो बात अलग है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब सबसे पहले भाई मुझे जूते छुपाने अपने, तो ये कैमरा पकड़। तो गाइस जूते छुपाने बहुत जरूरी है, पता चले निशु ने आते ही यहाँ पे मेन गेट पे जूते देख लिए और पहचान लिए मैं कहाँ हुआ है। तो हम जूते क्या करते हैं ऊपर वालों के फ्लोर के गेट के सामने फेंक आते हैं। ऑल सेट गाइस, निशु के घर में एंट्री तो हो चुकी है स्मूथली, बट अभी निशु घर पर नहीं है तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं आयुष भाई के साथ। और निशु जब तक नहीं आती तब तक ये घर हमारा है, बट निशु के आने से पहले हमको छुपना होगा। तो अभी हम आयुष भाई के साथ इनके गेमिंग रूम में चल के थोड़ा चिल विल करते हैं। क्योंकि एडिटिंग कर रहा था वीडियो की। हाँ। तो गाइस देख रहे हो आयुष कितना मेहनती है रात को रूम की कह रहा हूँ, वीडियो की एडिटिंग कर रहा था। रूम की एडिटिंग क्या होती है भाई? क्या खेलेंगे? PUBG, GTA, जो GTA 5 खेलेंगे जब तक निशु नहीं आ जाती। बट निशु के आने से पहले हमें छुपना होगा, ये बात याद रखनी, मतलब मुझे याद रखनी है। जब निशु होती खेलने नहीं देती 1 मिनट भी गेम अपने कंप्यूटर पे, आज ऐसा गंदा गेम खेलूंगा ना मजा आ जाएगा। बंद ही हो गया। बंद हो गया, अब दोबारा चालू करेंगे। मजा आ गया रे, मजा आ गया। तो गाइस निशु आ गई है गेट पे। अरे चुप हो जाए यार, कितना आराम बजाएगी। निशु गेट पे आ गई, निशु के आने से पहले मुझे छुपना होगा कहीं। कहाँ छुपूं भाई, जा ना पकड़े। भाई भाई क्या बताऊँ, मैं देख रहा हूँ तुम आगे, ढूंढ लो, खुद ढूंढ लो। तो गाइस मैं निशु की अलमारी में छुप रहा हूँ, ठीक है, इस वाली अलमारी में बैठ जा रहा हूँ। तू गेट खोल दे और कैमरा छुपा दे, ठीक है। जल्दी जल्दी मैंने गलत डिसीजन ले लिया, अलमारी में आने गए तो बहुत छोटी जगह है यार, इससे बढ़िया तो आयुष के रूम में ही कहीं छुप जाता, वो बेटर ऑप्शन होता। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी जगह चेंज करूँ, बिकॉज निशु को ऊपर आने में बस 1 मिनट लगेगा। तो अभी ट्राई करते हैं यहीं पर सेटल होने का। ये क्या H&M का वो रखा है पैकेट, ये साला बजेगा और दिक्कत होगा। We'll be right back.
कैसे निकल पाऊँ और आइस भाई के रूम में जाके चिल कर पाऊँ। भाई यार क्या है, लगता है बाहर गई है, किसी काम से रूम से बाहर गई है। ओह माय गॉड, भाई इस रूम में कितनी ठंड है, खुद ने तो एसी चला रखा है 16 डिग्री टेम्परेचर पे और मैं यहाँ गर्मी में तड़प रहा हूँ। कैन गलती तो मेरी ही है। आयुष रात पर यही रहता है, सुबह सोता है, एडिटिंग करता है, गेम बजाता है, तो आज रात को मैं और आयुष यहीं चिल करेंगे क्योंकि निशु शायद अब थोड़ी देर में सो जाए। फिर मैं और आयुष मस्त किचन में कुछ खाने का बनाऊंगा, अरे बहुत कुछ छुपा कर भाई किचन में बहुत कुछ है खाने का, तो आयुष भाई मैं यहाँ गेम बजाएंगे और कुछ खाएंगे भी किचन में, बस निशु सो जाए। तो गाइस गेम खेलते हुए हमें बज गए सुबह के 4 और निशु सो रही है चित, तो पर अब टाइम है कुछ
खाने का आयुष भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे तो, अलमारी में तभी भूख लग रही थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो चलते हैं निशु के किचन में और करते हैं फूड हंटिंग। चलो खाना ही खाना होगा फ्रिज में। भाई लड़की पैसे वाली है, मेरे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं होती, ये रईस हो गया घर में होता है। पानी भी ले, इसमें है खजाना। आई इसको पता है इसमें, तू नहीं निकालता? नहीं भाई, डरता है लड़का थोड़ा। भाई चैलेंज तो यही था ना कि तुझे नहीं बताना कि तेरे घर में छुप रहा हूँ मैं 24 घंटे तक, मतलब 24 घंटे क्या हो पूरी रात। अबे यार क्या गूंजू चैलेंज, सामान रख पहले खाने से यार पूरी रात से भूखा मर रहा हूँ। पता अलमारी में था मैं तेरी फ्रूटी के लिए कैसी कैसी हरकत, तो फिर सिर्फ फ्रूटी पीने के लिए रात को ये सब करने के लिए नहीं पता। नहीं वो तो चैलेंज में भूख लग गई इसलिए मैं तो गेम खेल रहा था। बस कर ये सब, मैं तो जा रही हूँ, चैलेंज तो हो गया पर फ्रूटी तो मिल गई, परमिशन मिल गई फ्रूटी पीने की। तो गाइस वैसे सुबह के 4 बज गए हैं पर आप लोग डिसाइड करोगे कि चैलेंज में हारा या जीता, आप कमेंट करके बता देना कि कंप्लीट हो पाया या नहीं हो पाया। बट वीडियो को लाइक जरूर करना सबके सब और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि अभी इससे भी तगड़ी तगड़ी वीडियो आने वाली है। अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़्यादा तगड़ी वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करो अभी। और मैं जाता हूँ ये फ्रूटी और डोरिटोस खाने। ऐसा मांगे ना कि जाकर कुछ तो दे यार, अपने हाथ लगाएगा इस पानी।